नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने इस्लामिक नए साल मुहर्रम का एक वीडियो शेयर कर उसे डरावना और अजीब कहा है। साथ ही एक्ट्रेस ने पूछा है कि क्या हिंदुओं को भी युद्ध की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हाल ही में किकबॉक्सर ने मुहर्रम का एक वीडियो शेयर कर लिखा था, ये किस तरह का सेलिब्रेशन है, लिबरल और इस्लामिस्ट का जवाब होगा ये सबसे शांतिपूर्ण जश्न है। इस वीडियो को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए कंगना रनौत ने कहा, ये बहुत अजीब और डरावना है। इस तरह की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हिंदू पुरुषों को भी अनिवार्य रूप से किसी तरह के युद्ध की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस तरह के माहौल को देखते हुए लगता है कि अपने खून को गर्म रखने में कोई बुराई नहीं है, है ना? कंगना का बयान सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को टैग कर लिखा है, हेलो हिमाचल पुलिस, ये औरत यहाँ हिंदुओं को भड़काकर उन्हें खून गर्म रखने और हिंसक बनने का कह रही हैं। इसे BNSS की धारा 126 के तहत समाज की शांति भंग करने पर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरे यूजर ने उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा का एक वीडियो शेयर कर लिखा है, ये भी कितना अजीब और डरावना है कि हर दिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती है ना कंगना रनौत, या आप इस तरह के एडवेंचर को सपोर्ट करती हैं। हाल ही में कंगना रनौत जोशी मठ के स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोलने पर विवादों से घिर गई थी। कंगना रनौत को इस लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिली थी। एक्ट्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। सांसद बनने के बाद कंगना रनौत ने हाल ही में संसद में पहली स्पीच दी थी। स्पीच में एक्ट्रेस ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बात की थी। फिल्मी करियर की बात करें तो कंगना रनौत जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। फिल्म में वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में हैं। इनके अलावा उनके पास तनु वेड्स मनुत्री, सीता, द इनकॉर्नेशन जैसी बड़ी फिल्में भी हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।